हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिमोट ऐप एंड डेस्कटॉप कनेक्शन इस वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। आखिर ये होता क्या है और इसका विंडोज 10 में क्या काम होता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो ऊपर के ये सभी ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम ये रिमोट डेस्कटॉप के बारे में बात करेंगे, आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जब हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी दूसरे लैपटॉप या किसी दूसरे डिवाइस में शो कराते हैं तो इस प्रोसेस को करने की प्रक्रिया रिमोट डेस्कटॉप कहलाती है। दोस्तों, रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू ही हम अपने स्क्रीन के ऊपर जो भी शो होता है किसी दूसरे डिवाइस या दूसरे पीसी के ऊपर शो कराते हैं। तो दोस्तों, रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर मैंने बहुत पहले ही एक डिटेल में वीडियो बनाया था, उसमें मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया था कि किसी भी पीसी को आपस में स्क्रीन शेयरिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके रिमोट डेस्कटॉप के बारे में डिटेल से समझ लीजिएगा और प्रैक्टिकली भी देख लीजिएगा। दोस्तों, वो वीडियो लगभग 20 मिनट का है, ये वीडियो उतना लंबा नहीं होगा, मैं बस आपको हल्का फुल्का इसके अंदर चीज़ें बता दूँगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में कवर है। मैं यहाँ पे नहीं कवर करूँगा क्योंकि सेम बात मुझे फिर वही बतानी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं जैसे ही चलूँगा, देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं है क्योंकि यहाँ से आप उतना इजीली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जहाँ से उस वाले वीडियो में कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो ये फ्रंट वाला है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे वो कंट्रोल पैनल की फ्रंट स्क्रीन पर ले आएगा। अब दोस्तों, ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, एक्सेस रिमोट ऐप एंड डेस्कटॉप, दोस्तों यहाँ इसके अंदर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे से ये एड्रेस पूछेगा, यानी जिस भी डिवाइस के अंदर मुझे अपनी स्क्रीन शो करवानी होगी उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस या उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो एड्रेस डालना पड़ता है। तो वो सब दोस्तों आप कैसे फाइंड करेंगे, जाके उस वाली वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप उस सेकेंड वाले डिवाइस का एड्रेस वगैरह डाल के नेक्स्ट वगैरह करेंगे, सिंपली आप उस डिवाइस से रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं और उसके अंदर के स्टोरेज और डाटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैंने ज़्यादा आपको कुछ बताया नहीं, सिंपली लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसको डिटेल में समझ लीजिएगा। दोस्तों, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।